आदिर हजरात, वेलकम टू हारनामा नाइट प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। मेरा नाम है ताबिश हाशमी। वर्ल्ड कप क्रिकेट का आज एक दो बड़े मैच थे। ऑस्ट्रेलिया का मैच था बांग्लादेश से और पाकिस्तान का मैच था इंग्लैंड से। पाकिस्तान आज फाइनली अपने सूटकेस पैक करके वापस पाकिस्तान आ रहा है। हमारा अब इस वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं है। पागल है खेलने में। अब वही जिंदगी है, सुबह उठना है, काम पे जाना है। अब महंगाई भी महंगाई लगेगी, या पेट्रोल भी महंगा लगेगा। रजाक भाई, इससे पहले कि मैं अपना गम आपसे शेयर करूं, पैनल का इंट्रोडक्शन जरूरी समझता हूं। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट इमाद वसे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मोहम्मद आमिर। बस बस, बहुत हो गया, बहुत काबले काबले एहतराम, काबले सताइश। हम सब पे इनका साया कायम रहे। शोएब अख्तर के बहुत बड़े फैन अब्दुल रजाक। रजाक भाई, अमूमी तौर पर पाकिस्तान की हार पे बहुत गमजदा होता हूँ, मगर आज ऐसा लगा कि बस अब मुश्किल आसान हो गई हमारी। वापस आ रहे, टॉस हार गए थे उसी वक्त, गेम हार गए थे वैसे तो आज का है। देखिए, पता है क्या, हम बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्टेशन रख रहे थे अपनी टीम से। रखनी क्यों नहीं रखी? जो उनमें पोटेंशियल था अपने कैलिबर के मुताबिक उन्होंने ठीक खेला। नहीं रजाक भाई, आप ये बात मैं आपसे एतराज इसलिए करता हूँ। नंबर वन बॉलर लेकर जा रहे हो, नंबर वन टीम लेके जा रहे हो, नंबर थ्री बैट्समैन लेके जा रहे हो। उम्मीद तो रखनी थी हमें फर्स्ट आने की, हम क्यों नहीं रखते? देखिए, बात ये कि नंबर वन में आपने किन टीमों के साथ मैचेस खेले वो भी देखना पड़ता है। आपके टूर्स कितने हुए, आपने कोई ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, इंग्लैंड का किया, साउथ अफ्रीका किया, न्यूजीलैंड में खेली, क्रिकेट नहीं खेली। और हमारे पास अब टीमें, एक और मुबारक को अफगानिस्तान की टीम आ गई है। अब उनके साथ डू एंड डाई मैचेस हुआ करेंगे, क्योंकि अब उनके इंडिया के साथ हम कुछ कर नहीं सकते। अब अफगानिस्तान के साथ हमारे मैचेस हुआ करेंगे, देखिएगा। अच्छा भाई, ऐसा है इमाद, मुश्किल सवाल है, आमिर पूछूंगा आपसे कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आपको पाकिस्तान में से कुछ पॉजिटिव निकालना हो तो इस टूर्नामेंट में हमारी तरफ सबसे अच्छा किसने खेला? Hard to tell, to be honest. किसी ने तो कुछ बेहतर खेला होगा। मुझे फखर का इंटेंट अच्छा लगा, जो मॉडर्न डे की एक डिमांड है। हम पूरे डे वन से जो एक बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत है, एक इंटेंट की जरूरत है। आई थिंक वो दो तीन मैच खेला और उसने शो किया है कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए। जो मुझे लगा एक मैच के बाद ही पूरी टीम उन पर डिपेंड करने लगी। यस, थोड़ा सा दूसरा मैं वसीम जूनियर का मैं इसलिए बोलूंगा कि वो कैरी होता रहा, खेलता नहीं रहा और प्रेशर सिचुएशन में आया टीम में। उसने बेहतर बॉलिंग की बनिस्बत जो हमारे कौन के नीचे बहुत अच्छे बॉलर थे। अच्छी की वसीम, आज फखर पे कोई प्रेशर नहीं था। हम लोग वैसे ही आउट हो चुके थे टूर्नामेंट से टॉस हारने के बाद, आज नहीं चल पाए फखर, क्यों? देखिए, इंपैक्ट जो प्लेयर होता है ना, जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, उनके फेलियर्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। वो 10 मैचों में 2-3 करेंगे, लेकिन वो एक हाथ में आपको मैच में नहीं करता। सही बात है। आप देख ले, पिछले 5 साल से रेगुलर हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का, उसका एक रोल है इंपैक्ट के, तुमने जाना है और भाई मारना है तुमने। वो 10 मैचों में 2-3 करता है, लेकिन अकेले मैच जीता था जिस तरह उसने लास्ट जितवाया। मैं अग्री करता हूं इस बात से। इमाद, आपसे पूछूंगा, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किसने किया? बहुत काफी ऐसे लड़के सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग आउट ऑफ फॉर्म भी थे। नहीं, वो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है बाबर आजम से थी इस टूर्नामेंट। हम सबको थी और पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को थी। मैं उसे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे 2 गेम सिंगल हैंडेडली जितवाने चाहिए थे, जितना बड़ा वो प्लेयर है, और उसने एक भी गेम नहीं जितवाया। वो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। और दूसरा जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया है वो रिजवान है, क्योंकि उसने एक मैच जिताया और उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो एज ए सीनियर प्लेयर रिजवान को चाहिए कि स्टेप अप करके एटलीस्ट 2-3 मैच जिताए। हालांकि उसने एक मैच जिताया है, लेकिन ये जो 2 सीनियर प्लेयर थे हमारे, इनको बैटिंग वाइज करना चाहिए था। बॉलिंग में मुझे सब ने डिसअपॉइंट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी बॉलिंग ऐसी है जो टीम अगर 170 हमारी करती थी तो हमें ये पता होता था कि यार चांस है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप स्टैट्स उठा के देखेंगे, पूरे वर्ल्ड कप में हमने किसी भी बैटिंग लाइनअप को डोमिनेट ही नहीं किया, राया नहीं है किसी। सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कल पर हमारे बॉलिंग अटैक के, डिसअपॉइंटमेंट हुई है और दुख हुआ है। लेकिन ये कहते हैं ना कि शौक नहीं है, ये शौक नहीं है, क्योंकि इसलिए शौक नहीं है कि हम ये एक्सपेक्टेड चीजें थी। और हम एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखें कुदरत का निजाम, हम सारे मुसलमान हैं, बिलीव करते हैं,
कुदरत का निज़ाम उस वक्त आपकी मेहनत या आपके उसमें करता है जब आप अपनी मदद अपने आप करते हैं। बिल्कुल बेशक, और ये सब के लिए इक्वल है, हम मुसलमानों के लिए भी, बाकियों के लिए भी, लेकिन आपको उस वक्त मिलेगा जब आप अपनी मेहनत और करेंगे, कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। तो हमने कोशिश नहीं की, हमारी अप्रोच टिमिड और फियर वाली थी। ठीक है रजाक भाई, बॉलिंग की बात करूंगा, पेस मौजूद था, आरिथ रऊफ आज भी 153-156 मार रहे थे, वसीम जूनियर भी ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे थे, रिवर्स भी हो रहा था बॉल आज तो, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं थी जो होती थी पास्ट के अंदर, तो कमी क्या है? कमी सीधी बात ये है कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर गुजरे हैं वो जवाब सुनते हैं, आयोडीन की कमी है, खुद ही बोल रहे हैं। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कैसे पता? हाँ रजाक, बीच में कोई दीवार आ सकती है? मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ। ओ भाई उन्होंने बोला है। मैंने नहीं बोला, अब मैं समाज की दीवार खड़ी करूंगा, आप बताएं मुझे। अच्छा, पहले जो हमारे फास्ट बॉलर गुजरे हैं उनकी जो वेपन था वो फास्ट बॉल था, आज के जो हमारे बॉलर हैं उनका वेपन स्लो वन। हाँ ठीक है बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आती कि आप इंटरनेशनल ग्रेड खेल रहे हैं, आप पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते, आपकी बॉलिंग पकड़ी जाती है। हाँ। ये क्या करता है, ये गुगली करता है, ये लेग ब्रेक करता है, फ्लिपर करता है, ये इनस्विंग हाँ। करता है, ये स्लोवन करता है, स्लोवन बाउंसर मारता है, आप पकड़े जाते हैं। हाँ। थोड़ा सा शुरू में डोमिनेट किया इन्होंने, हारिस रऊफ ने, बॉलर्स को, इवन उनके शहीन ने भी, अब पकड़े गए, अब उनको पता चल गया ये करते क्या है। हारिस रऊफ आखिरी ओवरों में एक ओवर में 4 स्लोवन फेंकते हैं। बिल्कुल बेशक, आपने सही नोट किया है, ऐसे ही है, इसका मतलब उसका वेपन फास्ट बॉलिंग नहीं रहा। और ये जो चीजें हैं ना ये पेनफुल है, वसीम अकरम को कभी हमने ये नहीं देखा कि वो स्लोमन पे आउट कर रहा है, शोएब अख्तर को हमने ये नहीं देखा कि वो स्लोमन पे आउट कर रहा है, उस पे भी करते थे मगर नहीं, वो उनका वो वेपन नहीं था, मेन वेपन नहीं था। हाँ जी, वो 4-5 फास्ट बॉल करने के बाद एक स्लोमन फेंकते थे, ठीक है, वो भी मैंने कभी आखिरी ओवर में डेथ बॉलिंग में मैंने नहीं देखा उनको, सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका था यॉर्कर बाउंसर और अच्छी लेंथ पे बॉल करना, सही है। अब ये जब चीज बैट्समैन के सामने, अब मेरे सामने हारिस रऊफ आएगा तो मैं ऐसे करूंगा तो स्लोवन कर देगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ये, सही है, ठीक। ये चीजें इनको पता नहीं, कोई बताता कोई नहीं है, मैनेजमेंट में कौन से लोग बैठे हुए हैं जो उनको ये नहीं बता सकते कि आपका वेपन फास्ट बॉलिंग है, यॉर्कर है, उस पर काम करो ना। अभी एबी मोरकल को आपने, मोरी मोरकल रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है मुझे बताए, किस लिए रखा हुआ है, नहीं किस लिए रखा है, वो फास्ट बॉलर है, अब ये स्लोवन मारी जा रहे, सही बात, सही बात। अच्छा रजाक मुझे इतना बताइएगा कि पीसीबी में, आपको शायद अंदाजा हो, पीसीबी में कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 450 करीब होंगे, 450 लोग पीसीबी में काम करते हैं, इतनी जरूरत है हमारे पीसीबी में लोगों की? नहीं, जरूरत तकरीबन है कोई 60-70 की, 60-70 की, तो ये 400-500 लोग क्या करते हैं? तो मेरा काम ही नहीं है वो, क्रिकेट बोर्ड जाने, वो जाने, आपका क्या काम? मेरा काम क्रिकेट में बात, क्रिकेट में बात, बात कर, वक्त आ चुका है कि आस्क ऑडियंस से बात करेंगे, इतने प्यारे प्यारे लोग आए हुए, इनके पास माइक है, किसके पास है पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? दोबारा करेंगे, माइक से आवाज नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे ताबिश भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ोसी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, मेरा सवाल आप तीनों से है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ पॉजिटिव ये भी हैं कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं लाइक अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील और सलमान अली आगा ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो आपको क्या लगता है इन तीनों प्लेयर में से कौन ऐसा एक प्लेयर है जो आगे एक लॉन्ग टर्म सर्व कर सकता है पाकिस्तान टीम को या नेक्स्ट बाबर आजम? लेंगे सवाल को, आमिर भाई आप ले लें। देखिए वर्ल्ड कप में जो जाते हैं ना लड़के, वो पॉजिटिव लड़के जाते हैं जो आपको पता है कि वर्ल्ड कप जितवाएंगे। हाँ। सीरीज में से लड़के आपने निकालने होते हैं, वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने होते हैं, वर्ल्ड कप में तैयार लड़के जाते हैं, वर्ल्ड कप से लड़के तैयार होने के लिए नहीं जाते। बहुत अच्छी बात, पहले ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, जो वर्ल्ड कप में जाते हैं वो तैयार हुए हुए जाते हैं, वो सीरीज में से आप जब 2-3 सीरीज खेलते हैं आप कहते हैं हाँ ये हमें वर्ल्ड कप के लिए मिले, बहुत सही बात है। तो पहले तो ये चीज क्लियर, मुझे मुझे आप किसी भी टीम में बता दो कोई तैयार होने गया हो, सारे तैयार होके गए हुए, सारे सारे 15 के 15 स्क्वाड में आप प्लेयर देखे ना तो उनको हम कहते हैं पक्के खिलाड़ी, पक्के खिलाड़ी, जो उनको उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है, वो होते हैं। तो वर्ल्ड कप एक ऐसी स्टेज है, सीरीज एक डिफरेंट है, वर्ल्ड कप एक ऐसी स्टेज है जहां आप जीतने के लिए तैयारी करते हो, बहुत जबरदस्त बात, लड़के तैयार करने के लिए नहीं लेके जाते। लेकिन एक बात लड़के की बहुत अच्छी बात की, 2-3 नाम जो इसलिए, सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील, ये तीनों लड़के बहरहाल पके हुए ना लेकर गए हो, इनका कसूर नहीं इन बच्चों का, जो सिलेक्ट हो गए कौन मना करेगा उससे, इनको ये अच्छी चीज है कि इन्होंने कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिले, इनको एक्सपीरियंस हो गया वर्ल्ड कप का, बड़ी स्टेज, बहुत बड़ी, ये एक अच्छी चीज है और ये आपके फ्यूचर में ये आपको मदद करेगा। शेक हुआ होगा कॉन्फिडेंस, अच्छा हुआ होगा, ऐसा ऐसा ना हो कि ये समझना शुरू कर दे वर्ल्ड कप क्रिकेट कोई नहीं है, दूसरी क्रिकेट खेली जाओ बस।
ठीक है रजाक भाई, ये कह रहे हैं, माद कह रहे हैं लड़कों का कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ होगा कि हमने वर्ल्ड कप खेल लिया, ये कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ होगा खराब हुआ होगा? देखिए कॉन्फिडेंस अच्छा तब होता है जब परफॉर्म करते हैं और मेरिट पे खेलते हैं अच्छा। और आपको पता हो कंडीशन के मुताबिक आप खेल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड वहां पे है वहां पे आप देखे, जहां वो क्रिकेट चल रही है वहां पे डू एंड डाई वाली, और हम खेल रहे हैं वही आज से कोई 160 वाली क्रिकेट, डाई एंड डाई वाली। नहीं नहीं बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, हमें मुझे पहले ही पता चल गया कि इस विकेट पे कितना स्कोर करना है। मतलब ये कौन सी साइंस ले आए आप, मुझे पहले तो बताएं तो सही, पिच देख के आपने कह दिया इतना स्कोर मुझे पता है यहाँ पे करना है, हालांकि वो विकेट पे 400 होने वाला है, 350 होने वाला है। सही बात। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जीशान नाम है मेरा एंड आपके शहर से आया हूँ सर मैं। कराची से आए हैं। जी जी सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। सवाल सर मेरा सवाल ऑल तो रजाक भाई ने उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं आमिर भाई से और इमाद भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इलेबरेट करें कि हारिस रऊफ हमारे की बॉलर थे, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो क्या वजह है कि उनको इंडियन पिचेस के ऊपर उनकी नो हाउ ना होने की वजह थी, या वो प्रेडिक्टेबल हो गए थे जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हारिस का भी कोई कसूर नहीं। किसका है कसूर? जब आप सेलेक्ट करते हैं ना प्लेयर्स, उनको ये देखना चाहिए कि हारिस डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी करता है, नए बॉल की बॉलिंग अच्छी करता है, मिडल ओवर आया ये 50 ओवर खेल सकता है, टेस्ट मैच खेल सकता है, T20, ये जो सेलेक्ट करते हैं ना ये उनका कसूर है। मैं एक चीज गारंटी देता हूँ, पाकिस्तान हारी है, एक मैं चीज गारंटी देता हूँ कि लड़कों ने अपनी जान लगाई है। मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ ट्रेनिंग में भी और ग्राउंड में भी, इंटेंट की कमी है और ये सारा कुछ, ये आपको पहले से इसको जो है ना आपको करना पड़ता है, और जब आप वर्ल्ड स्टेज में आते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता कि यार इंटेंट ऐसे है। तो ये चीज है कि हारिस का कोई इसमें ये कसूर नहीं है, लेकिन ये उनका कसूर है जिन्होंने लेके गए हैं और उनको ये जवाब देना चाहिए एयरलाइन वालों का। लेकर गए मैं एयरलाइन वालों से बात। अगला कौन? वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद मियां क्या नाम है तुम्हारा? कामिल नाम। कामिल भाई वाह। कामिल क्या सवाल पूछे? मेरा आप तीनों से यह सवाल है कि जैसे ताबिश भाई ने कहा कि हमारी टीम हार गई और घर वापस आ रही है यार, ताबिश भाई नहीं तो बोलो जैसे कि ग्रेट ताबिश हाशमी ने कहा ऐसे को ऐसे ऐसे इस हमें चाहिए आप टोटल इज्जत दीजिए। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि जैसे कि आप प्लेयर होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप उन्हें जो है बुला दिया है एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे आप उन्हें उनका इस्तकबाल करने जाएं, तो आप क्या जाएंगे तीनों भाई जान? आप हार ढोल वोल लेके जाओगे एयरपोर्ट? किस चक्कर में? उनके घर वाले हैं वो आएंगे लेने उनको? नहीं नहीं ये तो नहीं, हम यार आप लोग हमारा काम बेटा, कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे खिलाड़ी लेने जा रहे हो एयरपोर्ट यार, लेकिन आवाम जाएगी इंशाल्लाह, फैमिलीज आती है, फैमिलीज आके रिसीव करती है। अच्छा ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन है कि परफॉर्मेंस ऐसी थी कि लोग आएंगे रिसीव करने, ऐसा है कुछ? लेकिन अच्छी बात यह रजाक भाई, अब आसानी ये हो गई, आप लोगों के जमाने में छुप छुपा के आना पड़ता था, अब कम से कम ऐसा नहीं होता कि अंडे वंडे पड़ रहे हैं ये हो रहा है। नहीं पहले भी ऐसा नहीं था, बस कुछ लोग थे वो जो चाहते थे, पर ऐसा नहीं होता था जैसे 96 में पाकिस्तान मैच हारा था इंडिया से, में जी। तो उस वक्त फिर कुछ प्लेयर इंग्लैंड चले गए, कुछ दूसरे शहरों मुल्कों में चले गए, तो वो फिर एक लाहौर में नहीं आए थे, वो बाद में आए थे। अच्छा भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम द ग्रेट ताबिश हाशमी। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख कर आया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान मलिक है। इरफान भाई सवाल पूछ। मैं अब्दुल रजाक भाई से सवाल करूंगा कि शाहदरा में एक ग्राउंड है जो आपके नाम से मंसूब है, अरे वाह, और आपने कुछ साल पहले तकरीबन 15-20 साल पहले इस अज़्म का इजहार किया था कि वहाँ इंटरनेशनल लेवल की पिच बनेगी, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि कुछ साल के बाद PSL के मैचेस वहाँ होंगे अब्दुल रजाक इंटरनेशनल स्टेडियम में? जी सर। चादरा रजाक भाई आपको पता है ये बात कि आपके नाम पे स्टेडियम है चादरा में ना? जी दुनिया ऐसे दुनिया में 18-20 जगह है क्या जो आप चादरा भाई एक ही जगह है? मैं आपको सही बताऊं, मैं शारजा समझ रहा, शारजा मैंने कहा दुबई में मेरे के नाम पे नहीं चादरा कह रहे थे आपके नाम पे। वहां पे हुआ था, हमने बड़ा अच्छा स्टेडियम बनाना था और जो फंड मंजूर हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कुछ करप्शन हुई और फिर पैसे वहाँ पे लगे नहीं, तो फिर वो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ क्योंकि उनका नाम भी यूज़ किया हमने, इनॉग्रेशन भी की, सारा कुछ बहुत बड़ा फंक्शन उन्होंने किया था। उसके बाद
जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने वो फिर पैसे जो है ना वो खा लिए पैसे खा लिए। किसी गवर्नमेंट थी याद नहीं याद भूल गया। किस साल की बात है पार्टनर? सर मेरा नाम बशीर है। मुबशीर भाई आप क्या करते? सर मैं BScS कर रहा हूँ। BScS कर रहे, वाह। सवाल पूछेंगे? सर मेरा सवाल तो नहीं लेकिन मैं अपने और पाकिस्तान के हीरो मोहम्मद आमिर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ और बाद में इनके हेटर्स के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। हो जाए मुकाबला। आमिर भाई मैंने आपको हमेशा हीरो बोला है, पता है क्यों? क्यों ना कि जो हीरो होता है ना वो कभी हार नहीं मानता, हारता नहीं। बिल्कुल आपकी तरह आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई लेकिन जब उन मुश्किलात के बाद आप 2017 में वापस आए और फिर दुनिया ने देखा कि हीरो कभी हार नहीं मानता, बिल्कुल आपकी तरह। और सर आपके हेटर्स के लिए, जो आपके हेटर्स हैं ना वो आए दिन किसी ना किसी बॉलर को आपके साथ कंपेयर करते हैं कि ये मोहम्मद आमिर से बेहतर है ये वो, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नो डाउट आपके पास जो बॉलर हैं उनके पास पेस है, स्विंग है, लेकिन उनके पास मेरे हीरो की तरह माइंडसेट और अकल नहीं है। थैंक यू वाह वाह भाई बहुत आला, गले में तकलीफ हो रही होगी। हाँ अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? शाहरुख। आमिर भाई आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई हो, आपको फील हो रहा हो कि मैन ऑफ द मैच आपको मिल रहा है लेकिन वो मिल किसी और को गया हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आमिर भाई कभी ऐसा हुआ? बहुत कब हुआ ऐसे? लेकिन ले कोई और जाता है, लेकिन ये लगता है क्रिकेट में होता है। अच्छा रजी भाई मुझे इससे याद आया, आपको ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज में हैवी बाइक मिली थी बहुत प्यारी सी, PUB सीरीज में वो लेकर आए थे आप? नहीं उधर ही वो हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि आने दें, उन्होंने कहा जी कि टैक्स बहुत लगेगा तो फिर उधर ही सेल कर दी। उधर ही सेल कर चलाई थी लेकिन? नहीं उधर ग्राउंड में चलाई थी। अगला कौन है भाई? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? रोहान। रोहान क्या करते हो तुम? मैं पढ़ता हूँ। एक ही जगह रखो मैं? मैं पढ़ता हूँ। किसको पढ़ते हो? स्टडी। सवाल सर मेरा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सबसे, पाकिस्तानी जो कौमी तराना है वो आपने बहुत जगह सुना होगा पर वो उसके अंदर पाकिस्तान का लफ्ज कितनी दफा आया? ओ 10 सेकंड के अंदर तो दे देगा, पॉइंट्स दे दूंगा 50। नहीं है, है? 10 सेकंड के अंदर जवाब दे देगा। पाकिस्तान का लफ्ज एक दफा आया, एक ही दफा आया, एक दफा ये ऐसे एक दफा आया। आपको लग रहा होता है मैन ऑफ द मैच मुझे मिलने वाला है मगर मैंने तो ये भी बताया था कि किस जगह पे आया यार, किस जगह आया? पाकिस्तान एक ही दफा आया, मैंने बता दिया यार। वो हमारे बड़े उनका ठीक है आप तो नाशुक्री करो नहीं मात भाई। अगला कौन है? कौन है भाई? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उसामा। सवाल पूछो बेटा। सवाल ताजी भाई आपसे है मेरा, उससे को डायरेक्ट पूछो मुझसे। माशाल्लाह आप बड़े हसमुख का अलावा कैसी आपको रखे, वो कहते हैं कि एक हंसते चेहरे के पीछे एक कोई दुख बड़ी कहानी होती है। ऐसा भी आपके साथ भी कभी हुआ लाइफ में, कुछ शेयर कर सकते हैं आप? बेटा मेरे पीछे तो दुख भरी कहानी नहीं है, आगे है मेरी दुख भरी कहानी। दाबिश भाई जब पैदा हुए थे ना तब हंस रहे थे। आप वहां दाई का काम क्यों कर रहे थे? मैं दाई के लिए क्यों बताया आपको? डॉक्टर रजाक असलम। कौन है असलम? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, अगर कोई मजबूरी तो छोड़ दो। खुश हो बेटा, खुश हो, खुश हो, खुश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है? उमर नाम है मेरा सर। उमर मेरा क्वेश्चन इन सब से है। करो सवाल, कठहरे में खड़ा कर रहे हैं सर। जैसे आप जानते हैं कि एग्जाम शीट में अगर टफ क्वेश्चन आए तो
अच्छा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है फिर वो सामने आता है। इसी तरह क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में पिचेस अच्छी हो तो अच्छे प्लेयर सामने आते हैं। पाकिस्तान में आज तक पिचेस अच्छी नहीं बनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, फर्स्ट क्लास हो, पीएसएल हो। पीएसएल में रावलपिंडी की पिच आपके सामने है, तो कब हमारी पिचेस अच्छी होगी, क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी? आपसे बात होगी पिंडी की। देखिए पहली बात तो पिचेस बेहतर है, हाँ स्लो है, उसमें ग्रास नहीं होता, फास्ट बॉलर के लिए इतनी मदद नहीं होती, पर फिर भी देखा जाए पिचेस अच्छी हैं, स्पिनर को भी मदद मिलती है। और पिछले 20-25 साल से तो डोमेस्टिक हम भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, तो हमें कभी कोई कंप्लेन ऐसी नज़र नहीं आई। और जो थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है जो ग्राउंडों में थी। आमिर भाई आप फास्ट बॉलर हैं, आप पाकिस्तानी पिचेस को कैसा देखते हैं? नहीं, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला, वो तो बिल्कुल नहीं है। नहीं वो तो रीजन ही अलग है ना, इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश हमारी बैटर हो सकती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप पिंडी की सपोर्टिंग विकेट बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, डायमंड ग्राउंड है इस्लामाबाद में, बहुत अच्छी क्रिकेट होती है वहां पे, बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। और वाकई अच्छी विकेटें बनाने की जरूरत है पाकिस्तान, स्पेशली अभी जो रिसेंटली फर्स्ट क्लास फोर डे क्रिकेट हुई है, कुछ बोलरों को तो पूरा पूरा दिन विकेट ही नहीं मिली बेचारों, 700 रन। इसका मतलब विकेटें अच्छी हैं। अच्छा हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद क्या करते हो? BSES। शुरू हो जाओ। मेरा सवाल आप तीनों से है कि आप तीनों ने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन को आउट किया है, क्या आपके करियर में कोई ऐसा बैट्समैन था जिसको आपको आउट करने का दिल ही नहीं करता था कि ये इसको आउट करके हम क्या करेंगे? आप जवाब सह नहीं पाएंगे। सहेंगे आप बताएं। नहीं सहेंगे यार, क्यों नहीं? भाई वो आप लोग नहीं सह, वो पीएसएल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली भी नहीं सह पाएंगे आप, छोड़ें। ठीक है भाई, आप सह नहीं पाओगे। अच्छा वैसे बाबर वापस आके क्या करेंगे? जैसे ही आएंगे तो लैंड करके बाबर क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे बेटा, एक सेकेंड आओ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां बजाइए। खादिर हजरत वेलकम बैक टू हारना मनाए, प्रेजेंटेड बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वक्त आ चुका है HMH कप खेलने का। रजाक भाई और आमिर एक से स्कोर पर हैं और इमाद इस वक्त लीड कर रहे हैं। वक्त आ चुका है कि आज आप अपने स्कोर्स को बेहतर करें, अच्छा खेलिएगा रजाक भाई, सबर के साथ। टोटल स्कोर में दिखाऊंगा फाइनल वाले दिन। पहला राउंड 360 डिग्रीज, एस्टिमेटेड आंसर्स देने हैं। पहला सवाल ये रहा, यूनिसेफ के मुताबिक 2020 के पहले दिन पाकिस्तान में कितने बच्चे पैदा हुए? रजाक भाई आपको पता है 2020 के पहले दिन कितने बच्चे पैदा हुए? आप लोगों में से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस दिन। 2020 के पहले दिन, 2020 के पहले दिन पाकिस्तान में कितने बच्चे पैदा हुए? रजाक भाई आज आपसे स्टार्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ। जल्दी से शाबाश, जल्दी रजाक भाई जल्दी यार, अरे पैदा नहीं करने बताना है बस। जल्दी बताया रजाक भाई, यू फेंक दे बच्चा। पाकिस्तान नहीं। इतने में नंबर बढ़ जाएगा वो। ये कोरोना की वजह से कह रहे हैं ना? हाँ मैं किसी वजह से नहीं कह रहा। बोल दो रजाक भाई, जो भी आए बोल दो। अरे मैं जल्दी बोलो यार आप। हैं? मैं बोल दूं फिर? हाँ हाँ। ओहो। 20,000। 20,000 बच्चे, 20,000 बच्चे। हाँ भाई अहमद कितने बच्चे? जल्दी से पैदा करें। 3,000 बच्चे। हाँ भाई 200 बच्चे। 20,000, 3,000, 200, कितने बच्चे भाई? 16,787। वाह रजाक भाई वाह। 20,000 बच्चे का तो जीत गया ना मैं। वेरी गुड रजाक भाई, अब मुझे यकीन आ रहा है। 51 मिनट्स दिखाओ। सिलाई मशीन किस सन में इजाद हुई? सिलाई मशीन, स्विंग, इधर इधर। अब मैं आपसे पूछूंगा आमिर, सिलाई मशीन सीने वाली मशीन किस सन में इजाद हुई? पहले आती थी ना ये वाली, 1960 में सिलाई मशीन। उससे पहले लोग सिर्फ कपड़ा पहनते थे। 1750। रजाक भाई 1749 अलग से और सन 1960 दिखाओ बेटा। 1830 इमाद वसीम, वेल डन। 20 नंबर, 10 नंबर। 130 का मेरा देखो। मेरे कितने कम है? 1760 क्लोज। अगला दिखाओ।
हाउ मेनी स्वेट ग्लैंड्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, पसीने के खुलिए कितने हैं इंसानी बॉडी में, पसीना निकलने के खुलिए यानी कि वो स्वेट ग्लैंड्स कितने हैं इंसान के जिस्म में। आपसे स्टार्ट करूंगा, 1 मिलियन। 1 मिलियन का नंबर खुल चुका है रजाक भाई, पसीना गिन लें, गिन लें। रजा भाई जल्दी दिया करें यार आप। मैं? हाँ, 1 मिलियन पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, भाई 1 मिलियन हो चुका है, जल्दी से दे दें रजाक भाई प्लीज यार, आप टाइम लाइव शो है रजाक भाई। 1 मिलियन, करोड़ों का लॉस हो रहा है, करोड़ों का लॉस। वक्त आ चुका है, बड़ा देखो बात सुनो, ताली बजाना, दिल से बजाना, ठीक है। अगला सवाल खाके भूल जाए, दिखाओ बेटा। हाँ जी आमिर आप बताएंगे क्या आपने बजर बजाया? बजाया नहीं बजाया, बजाया 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 बजाया। हाँ जी रमीज राजा, रमीज राजा कोई चैलेंज करना चाहता है? कोई चैलेंज, कोई चैलेंज, कोई चैलेंज? आई डोंट नो, आपने रमीज राजा कह दिया। हाँ जी चलो मैं एक चांस दे रहा हूँ दोबारा। नहीं नहीं बात बात, रमीज राजा दिखाओ बेटा। साहिर लोदे यार बस करो यार, यार ये तो कोई नहीं बता सकता, क्या माफ कर दो, ये कोई नहीं बता सकता, पाकिस्तान का बड़ा स्टार है भाई वो, लेकिन साहिर लोदी लग भी नहीं रहा, लग भी नहीं रहा, तो क्या लग रहा है? शाहरुख खान नहीं रहे, शाहरुख खान लग रहे बताएं यार, ये लग रहे साहिर लोदी बस, इसको कैंसिल, ये जिसने खाका बनाया उसके नंबर काटो। अरे भाईजान साहिर लोदी को खुद वो साहिर लोदी नहीं लगते, वो कहते ना 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 लग ही नहीं रहे, अगला लग ही नहीं रहे, अगला ये ना काटना भाई, वो कहे पे कहीं क्यों ना काटना भाई, ये लग ही नहीं रहे भाई, भाई लग तो सही बंदे का खाका बनाओ ना, सही बंदा है वो, बहुत अच्छे बंदे, इमाद बताइए लग ये बात नहीं, बाप बस हो गई, क्या मतलब, अगला दिखाओ यार। हाँ ये हो गया माइनस, अरे माइनस हो गया, नेक्स्ट दिखाओ, ये दूसरा आए उनका कीपर है ना, ये इंडियन कीपर है, नहीं आपने बताना नहीं, इंडिया का कीपर है ना रजाक भाई, दूसरा नंबर आपका, दोनों बता देंगे पूरे नंबर दूंगा। किरण मोर का क्या नाम, किरण मोर, बजर दबा के पूरा जवाब, किरण मोर और जावेद मियादाद, आपने किरण मोर नहीं बोला, इन्होंने दो नाम लिए, रजाक भाई चैलेंज कर रहे हो आप, छोड़ दो बस हो गया टाइम, दिखाओ बेटा किरण मोर है, जावेद मियादाद, मेरे माइनस हो गए क्या? दो नाम ले देखो ना, दो आधे माइनस हो, ठीक है अगला दिखाओ। आ यार बड़े ही रजाक भाई, रजाक भाई जो रजाक भाई, पहले रजाक भाई, सबसे पहले रजाक भाई, सेकंड मैन रजाक भाई, 5 4 3 एक मिनट में बता रहा हूँ ना, प्रेशर लग रहा है, बहुत टाइम लेते हो, नहीं नहीं इस तरह नहीं चलेगा, 5 4 5 4 3 2 1 आरएस राव को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं दिखाओ बेटा, प्लस 10 रजाक भाई, इतना आसान रजाक भाई आप जल्दी दिया करें, हमने माइनस कर दिया, अगला दिखाओ खाका, सबसे पहले आमिर, अहमद शहजाद, अहमद शहजाद चैलेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, दिखाओ बेटा अहमद शहजाद, प्लस 10 अहमद शहजाद, वक्त आ चुका है स्विच हिट का, दो चेहरे मिक्स हुए हुए आपने अलग अलग करके दिखाने हैं, दिखाओ बेटा सबसे पहले मैंने दबाया था और वसीम जूनियर, हाँ यार मैंने दबाया था, वसीम जूनियर और लेस्टर कुक, दिखाओ बेटा वसीम जूनियर लेस्टर कुक, प्लस 10 अगला दिखाओ बेटा, सबसे पहले इमाद, हाँ बोलो जी हाजिरी है जी, हाँ भाई चुप चुप चुप, शेखर धवन, हाँ हाँ मेरा पीट नहीं, पीट नहीं, नहीं अब एक में कंफ्यूज, जल्दी आप पॉइंट टू नहीं कर रहे, 5 4 3 रिजवान या साजिद खान में से एक, 1 पूरा नाम सर, पूरा नाम सर, हो गए ना खत्म करें ना, खत्म, साजिद खान, साजिद खान और शेखर धवन, दिखाओ बेटा साजिद खान, शेखर धवन, वेरी वेल डन, बहुत आला, वक्त आ चुका है मुश्किल राउंड खेलने का, ईगल आएगा, बॉल पहचाननी है, दिखाओ बेटा बॉल, ए ए कोई चैलेंज कर रहा है लड़का, कोई चैलेंज पे आ रहा है, कोई चैलेंज पे आ रहे, आंखें देखो बॉल देखो, आंखें देखो बॉल देखो, हाँ जी जल्दी से सी दिखाओ बेटा, ए इज द राइट आंसर, प्लस 10 माइनस 10 टू इमाद, अगला दिखाओ,
हाँ जी मान ए ए रजाक भाई बी बी दिखाओ बेटा बी सराय प्लस सही है भाई वक्त आ चुका है डेथ ओवर्स का चार ऑप्शन का सवाल आएगा आपने सवाल देखना है बजर दबाना है दिखाओ बेटा रूस का पुराना नाम क्या है रूस का पुराना नाम क्या है बेटा इंग्लिश में नहीं बता रहे पुराना नाम बता रहे कोई बताएगा नहीं हाँ जी सेकंड रुथेनिया हाँ पक्की बात है पक्की बात भाई कोई चैलेंज कर रहा है लड़का 50 पॉइंट खोल दिए मैंने चैलेंज करने वाले 50 पॉइंट हाँ जी सोवियत नेशन यार सोवियत नेशन कोई चैलेंज कर रहा है 50 पॉइंट लास्ट वाला हरा स्लो ठीक है दिखाओ बेटा सोवियत यूनियन 50 पॉइंट माइनस 10 गुड पॉइंट मान अगला देखो नाइजीरिया के पुराने दारुल हुकूमत का नाम क्या है नाइजीरिया के पुराने दारुल हुकूमत का नाम क्या है बढ़ाओ ना पॉइंट बढ़ाओ सोवियत सोवियत कह रहा हूं एक तो पहली बात ये पहले सवाल है मेरा सोवियत नेशन ही सोवियत यूनियन नाम था उसका लेकिन इस सवाल माइनस करो ना 50 फिर हाँ पुराना क्या है दारुल हुकूमत जल्दी से बढ़ाओ ना जल्दी से 50 पॉइंट का सवाल अभी नहीं अभी 50 नहीं बजर दबा गया नहीं उसके बाद बोला है मैंने लेगोस चैलेंज कर रहा है कोई 50 पॉइंट है 50 पॉइंट मतलब मेरे माइनस 10 हो गए पहले चैलेंज उन्होंने किया पहले उन्होंने चैलेंज किया जल्दी से आमिर ये अबुजा क्या है अबुजान चैलेंज कर रहे हैं हाँ जी फर्स्ट वाला कानून आप दो चैलेंज क्यों कर रहे हैं कानू नहीं चैलेंज इनका 50 तो इन्हीं को मिलेंगे इनको 10 मिलेंगे कानू लगोस क्या मतलब है कि ठहरे क्या मतलब भी उस दिन चैलेंज उन्होंने किया था उनको भी नहीं दिए थे ऑप्शन कम हो गया चलो बेटा सही आंसर है लगोस इवाज वसीम वक्त हुआ है ब्रेक का लीजिए वापस आइए हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा ताली बजाओ बेटा अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हज़रात वेलकम बैक टू हारना मनाए प्रेजेंटेड बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल वक्त आ चुका है कि आज के विनर को तलाश किया जाए देखते हैं आज का विनर कौन है दिखाओ बेटा अब्दुल रज़ाक टू डेज आवाजें लग रही धांधली की आवाजें आ रही रज़ाक मैंने जीते आज मैं कुछ नहीं कह रहा मैं कुछ भाई जान ये शुरू में जो उन्होंने पहले कुछ कहा ऐसा फैसला आवाम पे छोड़े अच्छा सुनो क्या है देखो भाई जान अभी भी इतनी हर चीज के बावजूद इंडिया का कल एक मैच बाकी है इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स आपकी कॉल और टफ मैच है हाँ जी इंडिया आपकी इंडिया ये मैं भी इंडिया ही कहूंगा इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि नेदरलैंड्स के अच्छा भाई ऐसे दो चार सवाल हमारे आज के मैच के बाकी हैं ले लेते हैं उनसे बात कराइए हमसे जैद बिन लियाकत कहते हैं पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में जा सकता है अगर आज से ही 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दे बात सच है दो प्रेडिक्शन पे मुझे क्या नाम मिले एक मैंने कहा था इंडिया फाइनल खेलेगी हॉट फेवरेट और मैंने कहा रविंद्रा का कहा था ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा बिल्कुल ऐसा मेरे लिए बड़ा नाम है मैं कुछ करता हूं मैं कुछ yes, मैं दुआ करूंगा ये बॉल देते हैं ना 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 दो प्रेडिक्शन सही हुई है भाई जान अभी दो बॉलें ले लो ना ना ये वाली नहीं अच्छा ख्वाहिशों का मैं एहतराम करूंगा टोकन नहीं टोकन नहीं शरी इमाम कहते हैं आज अस्सलाम वालेकुम क्या है ये फ्रॉम इंडिया विद दिस बीइंग लास्ट मैच एंड पाक हैविंग नथिंग मच टू लूज डू यू ऑल थिंक दे कुड हैव ट्राइड अबरार दैट टू इन कोलकाता व्हिच हेल्प्स स्पिनर्स वो रिजर्व में था कैसे खेलता yes. नहीं देखें एंड वाला गेम था वो किसी को भी करा के कर वो ये था अगर शादाब को ये डिक्लेयर कर देते अनफिट वो चला जाता एक मैच में और अबरार को इन करना चाहिए था इनको करना चाहिए था ठीक है सही है गुड पॉइंट अगला मोहम्मद अब्बास डार लिखते हैं क्वेश्चन टू आमिर इनमाद कंपेयरिंग बाबर विद कोहली डू यू थिंक इट इज एन इंसल्ट टू कोहली नहीं इंसल्ट की बात नहीं है इंसल्ट तो ऐसी कोई नहीं है अनफेयर है दोनों के लिए अनफेयर है क्योंकि अभी बाबर कंपेयर करना ही गलत है विराट कोहली ने वो अचीव कर चुका है ग्रेटनेस जो भी करनी है बाबर जो बाबर को करनी है चाहिए और मैचेस जितवाने कोहली को कंपेयर करना है कम से कम अहमद शहजाद से करना चाहिए
नहीं, अहमद की भी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, ऐसी बात नहीं है। मिलते भी शक्ल से मिलते हैं ना यार दोनों। एक वक्त, हाँ एक वक्त था कि उसके बहुत जबरदस्त स्कोर थे और अहमद भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है पाकिस्तान। रजाक भाई और कुछ है हमारे पास? हेलो ताबिश, नाइस शो, थैंक यू संदीप। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 डिफाइन नहीं कर पाया स्टार्ट से ही? अच्छा पॉइंट लिया संदीप ने। देखिए, हमने शुरू में ये कहा था कि जैसे अमर ने कहा है ना कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है यहाँ परफॉर्मेंस वाला होता है, यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है, नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने, इनके पास कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है, इसलिए नहीं बना कि इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की आज से 2 साल पहले की, इसलिए नहीं बना। खवातीन और हज़रात, वर्ल्ड कप से हम बहरहाल हो चुके हैं बाहर, अब हम बाहर बैठ के दूसरों के मजे लेंगे, तभी फाइनल्स, फाइनल्स स्टार्ट होने वाले अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दुआ करेंगे। जब तक ये वर्ल्ड कप चल रहा है मैं तो आता रहूंगा, कल दोबारा हारना मलाई में मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।